नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग देखे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि क्लास 1 कल हुआ था, आज क्लास 2 है, लेक्चर 2। इसमें हम लोग किंगडम मोनेरा और बैक्टीरिया देखेंगे। ऐसे जितना भी बैक्टीरिया है सब किंगडम मोनेरा का पार्ट है, लेकिन बैक्टीरिया का मतलब मोनेरा नहीं होता, क्योंकि मोनेरा में और भी कई सारा जीव जंतु है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम लोग यहाँ पे मोनेरा में शामिल किए हुए हैं। इसीलिए हम लोग दो नाम दिए हैं, किंगडम मोनेरा एंड बैक्टीरिया। थंबनेल में यही चीज़ लिखा हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, BEd, MEd, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ आसाम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेलेक्ट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस टू नीट स्टूडेंट्स एंड 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, 12 research papers इन इंटरनेशनल जर्नल्स। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, बैक्टीरिया मोनेरा, मोनेरा में मोस्टली यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक को लिया गया है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज केप्ट अंडर द किंगडम मोनेरा। तुमको पता है कि अभी तक में हम लोग जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, पहले तो चैप्टर 1 में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखे थे, क्या होता है, कैसा होता है, किसे हम लोग लिविंग कहेंगे, किसे नॉन लिविंग कहेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, जो कि हम लोग कल स्टार्ट किए हैं, इसमें ऑलरेडी लास्ट क्लास में, मतलब कल हम लोग देखे थे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि सबसे पहले दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा, फिर कैरोलस लिनियस बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया था, और 2 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके बाद 5 kingdom सिस्टम क्लासिफिकेशन विटेकर के द्वारा, जिसे कि अभी हम लोग मानते हैं, और ऐसे 6 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अभी जो फॉलो करें 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ये सबको डाला गया है किंगडम मोनेरा में, जिसका कि आज हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडे क्लास। मोनेरा, मोनेरा किंगडम, 5 kingdom क्लासिफिकेशन में मोनेरा में दो चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को शामिल किया गया है किंगडम मोनेरा में। तो आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या है, जितना भी मिथानोजेंस है वो है नंबर 1, जितना भी हेलोफाइल्स है और थर्मोएसिडोफाइल्स, ये 3 है। और यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया में है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस एंड साइनोबैक्टीरिया। हमें ये सभी चीज़ को डिटेल में देखना है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया दोनों को, जिसमें कि आज ये सारे को मिथानोजेन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और बैक्टीरिया में से ये सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। और बैक्टीरिया कंप्लीट आज नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब कल। सो तो सबसे पहले जो हमारा आता है मोनेरा का, तो इसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो क्या बताए, यूनिसेलुलर। सो मोनेरा इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव, पेन का कलर बदलना पड़ेगा बच्चों, और पेन का कलर रेड है, ठीक है। मोनेरा इंक्लूड्स द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्रोजिनोट। जो प्रिमिटिव फॉर्म, जो कि ओशन में, समुद्र में बना था, पानियों में, महासागर, जिसमें कि फर्स्ट लाइफ बना था, प्रिमिटिव फॉर्म, तो मोनेरा वहीं से डेवलप किया है, जिसे कि प्रोजिनोट के नाम से जाना गया था, उसे प्रोजिनोट के नाम से पुकारा जाता है, जो कि मतलब है कि सबसे पहले धरती पे सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म से मोनेरा, इसीलिए सबसे लोएस्ट ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है और सबसे पहला किंगडम में रखा गया है मोनेरा को। इसमें क्या होता है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक होता है, मोस्टली सिंगल सेल विथ ए फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी इसमें ऑर्गेनिज्म से जितना भी चीज को इसमें शामिल किया गया सबका सब प्रोकैरियोटिक है। एंड सेकेंड इज मोस्टली सिंगल सेल। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ मल्टी सेलुलर भी होता है, ज्यादातर सिंगल सेल होता है। और इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जो कॉलोनियल होता है, जैसे कि यहां पर देख रहे हो ये कॉलोनी के फॉर्म में, ऐसे सबका सब सिंगल सेल है, लेकिन कुछ कॉलोनियल है, ये जो देख रहे हो इस तरीके के डिजाइन को कॉलोनी कहते हैं, ठीक है, तो ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। और आगे क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स एक्सेप्ट आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा अलग किस्म का
सेल वाल होता है, लेकिन मैक्सिमम में ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना हुआ रहता है, जो कि हम लोग आगे चल के अभी देखते हैं। सो ये क्या होता है, मोनेरा फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स ऑन अर्थ, अर्थ पे जितना भी अलग अलग टाइप का हैबिटेट होता है सभी में ये पाया जाता है। कैसे, कैसा सभी में, फॉर एग्जाम्पल बॉटम ऑफ द ओशन, जो समुद्र है, समुद्र के बॉटम में बिल्कुल डार्क है, ऑक्सीजन की स्कार्सिटी है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, वहां पर भी बहुत ही हार्श क्लाइमेट में मेरीन सिचुएशन में भी पाया जाता है, बोले तो बॉटम ऑफ द ओशन। बिलो द आइसबर्ग, ये जो बर्फ जमा हुआ है अंटार्कटिका वगैरह पे, जो कि पूरा का पूरा ठंडा है, उतना ठंडा जगह में भी नीचे में, अजर अली गुड इवनिंग जी, तो जो आइसबर्ग है बर्फों के नीचे में भी ये जमा हुआ रहता है, और वो भी बहुत पूरा ठंडा में, जहां पर कि कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इतना भी हार्श कंडीशन में। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स तुम लोग जानते होगे, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे होता है, जहां पर कि बहुत ही ज्यादा गर्म पानी होता है, कई जगह पाया जाता है। आई थिंक तुम लोगों में से बहुत सारे लोग देखे होगे हॉट स्प्रिंग्स, और हो सकता है नहीं भी देखे होगे, मैं देखा हूँ या तुम लोग नाम सुने होगे, बिहार में राजगीर जगह, राजगीर नामक एक जगह है जहां पर कि पानी निकलता है और वहां पर पानी गर्म होता है, ठीक है। और भी बिहार में भी कई जगह है, तुमको उड़ीसा में भी हॉट स्प्रिंग्स मिलेगा, उड़ीसा में भी हॉट स्प्रिंग्स है, और भी कई जगह पे हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता है, तो झील के जैसा ही है, मान लो झील के जैसा, जो राजगीर में या बिहार में और कई जगह पे है, झील के जैसा है, और वहाँ पर पानी काफ़ी गर्म होता है, तो काफ़ी गर्म होने के कारण वहाँ पर कोई पेड़ पौधा प्लांट्स वगैरह नहीं होता, लेकिन उतना हॉट स्प्रिंग में भी, उतने गर्म वाला सिचुएशंस में भी मोनेरा होता है। और क्या है, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, अब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर भी और बाहर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, तो हमारे बाहर में तो है ही, इसलिए देखते हो कई सारा प्रकार का बीमारी पकड़ते रहता है, अंदर में भी है, हमारे शरीर के अंदर में भी बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बिलोंगिंग टू मोनेरा, बाहर में भी है, जैसे तुम लोग दही खाते हो, दही कर्ड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के द्वारा बनाया जाता है, मतलब कई सारा बेनिफिशियल भी, वैसे हमारे शरीर में भी है। फॉर एग्जाम्पल्स विटामिन डी का जो सिंथेसिस करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, हम लोग का जो माउथ है, माउथ में भी प्रेजेंट रहता है एंटामीबा जिंगजिंग बेलिस, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी और हमारे बॉडी के बाहर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको कि हम लोग मोनेरा में रखे हुए, प्रेजेंट रहता है, हम लोग आगे चल के इन डिटेल देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, डेजर्ट्स में जहां पर की कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी मोनेरंस प्रेजेंट रहता है। ऑन ए पार्टिकुलर पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड इन एयर, एयर में जो सिंपली मोनेरा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में नहीं होता, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में होता है, उसके ऊपर वो फ्री में सवारी करता हुआ रहता है। हम लोग को तो एरोप्लेन पे जाने में टिकट कटाना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई टिकट्स की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही डस्ट पार्टिकल के ऊपर सफर करते रहता है और मस्ती करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, सबको इन्फेक्शन फैलाते रहता है। अब जैसे जो कोविड पेशेंट है, कोविड ट्रीटेड पेशेंट, रिपीटिंग, कोविड ट्रीटेड पेशेंट अभी के टाइम में, तो देख रहे कहीं पर ब्लैक फंगस आ रहा है, तो कहीं पर व्हाइट फंगस आ रहा है, कहीं पर ब्राउन फंगस आ रहा है, कहीं पर रेड फंगस आ रहा है, सबको इन्फेक्शन हो रहा है। कहाँ से आ रहा है ये फंगस? ऐसे ये फंगस है, फंगस का नाम बोलें क्योंकि वो हर जगह है, लेकिन यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मोनेरंस का बात कर रहे हैं, बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? लेट अस मूव, अब आते हैं हम लोग आर्किबैक्टीरिया। जैसे हम लोग अभी क्या देखे कि आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मोनेरंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, आर्की एंड ईयू, आर्किबैक्टीरिया एंड ईयू बैक्टीरिया, दोनों में कई सारा पार्ट्स को देखे, कई सारा ऑर्गेनिजम्स को देखे, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं आर्किबैक्टीरिया, जिसको कि एंशियंट लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, क्योंकि एंशियंट लिविंग फॉसिल इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस समय बना था, प्रोटोबियोंट से बना था, जिस समय की धरती का फॉर्मेशन होना स्टार्ट किया था, जिस समय की फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स डेवलप किया था, ये उसी समय से है और आज भी जिंदा है, इसीलिए इसको एंशियंट सबसे पुराना लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे पुराना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि आज भी प्रेजेंट है। फाउंड इन मोस्ट हार्श कंडीशन, ये ज्यादा जितना भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो। मिस्टर रॉय आज प्रेजेंट हो गया, मिस्टर रॉय आर्यन रॉय आए हो कि नहीं, क्या अभी भी एब्सेंट हो तुम आर्यन रॉय? ओके आर्यन रॉय जवाब देगा, हम आगे बढ़ते हैं।
ऐसे जो जो आता है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे उसका नाम याद हो जाता है। तो एक आर्यन रॉय हमेशा आया करता है, डेली प्रेजेंट रहता है, पता नहीं आज है कि नहीं। अभी तक उसके तरफ से कोई रोल कोई रिप्लाई नहीं है। मिस्टर रॉय, हाँ जी आया है। आज ये पीजेंट रॉय के नाम से आया हुआ है, इसका कई सारा अकाउंट है आर्यन रॉय का, तो आज है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, आर्किबैक्टीरिया एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अब्सेंट इन सेल वॉल। इसके आर्किबैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन अब्सेंट होता है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, जो यू बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया है उसमें रहता है। हाँ बिल्कुल आर्यन रॉय, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो यू बैक्टीरिया है उसमें ये प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइड नाग एंड नाम, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। जब हम लोग वो चैप्टर में आएंगे, मतलब बैक्टीरिया के बारे में जब देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें जो आर्किबैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं होता। टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चैन इन द मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे मान लो इसका अगर मेम्ब्रेन है तो इसमें ब्रांच लिपिड चैन बना हुआ रहता है। ये जो देख रहे हो हॉट वाटर स्ट्रिंग, ये हॉट वाटर का कंडीशन है, इसी जगह पे हॉट वाटर के कंडीशन स्प्रिंग में, ये भी मतलब इसमें भी देख रहे हो पानी से धुआं निकल रहा है, ये स्प्रिंग देख रहे हो यहाँ से पानी से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर भी मोनेरन्स प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर भी आर्किबैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। माइंड इट, समझ सकते हो कितना हार्श कंडीशन को बियर कर सकता है। क्या बताया, आर्किबैक्टीरिया लिविंग फॉसिल्स है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस इज अब्सेंट इन सेल वॉल, और दूसरा क्या देखे, टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन। यहां पर देखो सिंपली फॉस्फोलिपिड बायलेयर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, ये जो देख रहे हो बैक्टीरिया और यूकैरियोट का है, जहां पर कि फॉस्फोलिपिड चेन तो है बट ब्रांचिंग अवेलेबल नहीं है, और ये बायलेयर फ्रॉम आर्किबैक्टीरिया, ये आर्किबैक्टीरिया का है, जहां पर देखो ये ब्रांचिंग प्रेजेंट है, यहां पर ब्रांचिंग है, यहां पर ब्रांचिंग है। तो ये जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है ना इसके मेम्ब्रेन में, यही इसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफी टॉलरेंट टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को बनाता है इसको, बिकॉज ऑफ द दिस ब्रांच चेन्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड। अब हम क्या बोले कि आर्किबैक्टीरिया या मोनिरंस हर जगह प्रेजेंट है शुरू से लेके लास्ट तक। अब यहां पर देखो, यहां पर ओमेजियम, ये है हमारा स्टोमेक रूमिनेंट्स का, गाय कॉ एंड बुफेलो, जो कॉ है कॉज एंड बुफेलो, ये दोनों में प्रेजेंट रहता है, इसके स्टोमेक में प्रेजेंट रहता है मिथानोजेंस। ये क्या काम करता है, जो ये खाती है गाय जो खाती है तो उसमें क्या रहता है, सेल वॉल रहता है जो कि सेलुलोज का बना हुआ रहता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या पर चाहिए, मिथानोजेंस, जैसे प्लांट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल इन फूड क्या करता है, बैक्टीरियल डाइजेशन दैट इज फर्मेंटेशन, मतलब यहां पर बैक्टीरिया उसको फर्मेंटेट करता है, जिससे कि H2 और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में मिथानोजेंस CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो रूमिनेंट्स के द्वारा, कॉज एंड बुफेलो के द्वारा ये ग्रीन हाउस गैस फ्री में निकलता है नेचुरली, इसीलिए हम ज्यादा कॉइन बुफेलो को पाल नहीं सकते, ज्यादा दिनों तक हम लोग कॉइन बुफेलो को रख नहीं सकते, बिकॉज ऑफ दिस मिथानोजेंस बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूसिंग मिथेन इन द गट ऑफ द बैक ऑफ द कॉइन बुफेलो दैट इज कैटल्स। क्लियर है बच्चों, लेट अस मूव। अब देखते हैं हम लोग एंशियंट लिविंग फॉसिल्स का कुछ और भी चीजें। इंस्टीड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल कंटेंस प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के जगह पे, क्योंकि बताया कि इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं होता, मतलब नाग इन नाम प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या प्रेजेंट रहता है, कंटेंस प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज का नहीं बना रहता लेकिन पॉलीसेक्राइड होता है। सम मिथानोजेंस कंटेंट सूडोमुरीन, मतलब कुछ मिथानोजेंस ऐसा भी होता है जो कि सूडोमुरीन्स कंटेंट करता है, याद रखना है सूडोमुरीन्स इज फाउंड इन, इस प्रकार से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अजहर अली साइनिंग प्रकाश गाइडिंग प्रकाश होता है, अजहर अली आपका बात नहीं समझे, कहां से आप बता रहे हैं। ओके, सो 16S आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। यहां पर जो 16S
आरएनए रहता है इसके न्यूक्लियोटाइड्स में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं रहता। ये 16S राइबोसोम आरएनए इसमें अलग रहता है, 16S आरएनए। यहाँ पर 16S जो लगा हुआ है ये S है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए ये सब पढ़ने लग जाएंगे। बोले तो साइटोलॉजी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो उस समय हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है स्वेडबर्ग यूनिट्स। तो लेकिन बस अभी इतना जान जाओ कि इसमें जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 16S आरआरएनए रहता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। लेट अस मूव। अब आते हैं सिमिलरिटीज विद यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसमें आर्किबैक्टीरिया का यूकैरियोटिक सेल से क्या सिमिलरिटीज है, अपने को यह देखना है। पहला नंबर, बैक्टीरिया से सिमिलरिटी नहीं है, है तो ये मोनिरंस का, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल से इसमें कुछ समानता पाया जाता है। क्या है वो? नंबर वन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन यहां पर ये प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद भी हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, हमारे सेल में होता है। नंबर टू, डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर प्रेजेंट, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है। डीएनए का रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ जाओ, डीएनए रिप्लिकेशन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि एग्जिस्टिंग डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, दैट इज नोन एज द डीएनए रिप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनता है हमारे सेल के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलेशन। मैं ऊपर में लिख देता हूं, जैसे डीएनए है, इससे जब डीएनए बना, प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अगर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ उसको कहेंगे, सॉरी इसको कहेंगे रिप्लिकेशन। मैं मिस्टेक कर दिया यहां पर लिखने में, जस्ट ए मिनट, मैं इसे करेक्ट करता हूं। देखो यहां डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिप्लिकेशन। आगे चल के हम लोग इसका डिटेल में इसका क्या मैकेनिज्म होता है वो देखेंगे। जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, ओके। लेट अस मूव। मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपरोंस प्रेजेंट, मोनो इसमें जो होता है मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपरोंस होता है, मतलब जब बनना स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है तो एक ही साथ में होते चल जाता है, जबकि बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं होता, या और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो कि उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सिस्ट्रोन है तो अलग अलग होता है, टुकड़ों में होता है, लेकिन इस केस में आर्किबैक्टीरिया के केस में टुकड़ों में ना होकर एक साथ में ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट इज नोन एज द मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपरोंस। और ये चीज सिमिलरिटी है यूकैरियोटिक सेल से आर्किबैक्टीरिया में, क्लियर मूव। अब हम लोग आर्किबैक्टीरिया को अगर ब्रीफली क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आर्किबैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर वन नॉन सल्फर मीडियम और दूसरा है हॉट सल्फर मीडियम, नॉन सल्फर एंड हॉट सल्फर। तो नॉन सल्फर में पहला है मिथानोजेंस, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स। यहां पर क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब्स, मिथानोजेंस, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब। यहां पर है कि ऑब्लिगेटली, मतलब कंफर्म रूप से ये एनारोब्स ही होगा। अगर ये कभी भी हल्का सा भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, थैंक यू अजहर अली जी, आप हमारे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि सभी को जुड़े। और जल्दी ही क्लास खत्म होता है, जैसे अभी तो स्टूडेंट्स कम है इसलिए क्विजेज नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद से जब कम से कम 10 स्टूडेंट हो जाएगा तो मेंटी क्विज क्या करेंगे प्रत्येक क्लास के बाद में। जैसे कि आज आर्किबैक्टीरिया मोनिरा का चल रहा है क्लास, तो इसके क्लास के बाद में हम लोग मेंटी क्विज किया करेंगे, मतलब MCQ प्रैक्टिस किया करेंगे उसमें। और स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग देख रहे हैं क्लासेस, इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास के बाद लिंक मिल जाएगा, जहां से कि डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। और ये मेरा मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये सारा
स्टडी मटेरियल्स बनाया गया है जो कि मोर देन सफिशियंट है, बट एडिशनल मटेरियल अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है और प्रैक्टिसेस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपके पास कितना भी अच्छा मटेरियल क्यों ना हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो किसी काम का नहीं। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना है, ऐसे प्रैक्टिस करने में हम आपके साथ रहेंगे, क्विजेज वगैरह होता रहेगा, डीपीपी वगैरह होगा और मेंटी क्विजेज होगा जो कि आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, नॉन सल्फर मीडियम वाले क्या है, मिथानोजेन से जो कि ऑब्लिगेट एनारोब्स है। ऑब्लिगेट एनारोब्स है मतलब ये जरूरी रूप से एनारोब ही, अगर ये किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो ये मर जाएगा। दूसरा जिसका एग्जांपल है मिथानोबैक्टीरियम एंड मिथानोकोकस, ये दो एग्जांपल है इसका, इसके अलावा भी और कई सारा होता है। दूसरा हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, हेलोफाइल्स फैकल्टेटिव एनारोब्स है, मतलब है क्या कि ये नॉर्मली ये एनारोब्स है ऑक्सीजन के अब्सेंस में रहेगा, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन मिल भी जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये हेलोफाइल्स है मतलब ये अल्कलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर में रह सकता है। इसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस इसका एग्जांपल है हेलोफाइल्स का। जब हम बात करते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स का, यहां पर है थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स है, मतलब ये नॉर्मली एनारोब्स है, नॉर्मली ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में रहता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए नो प्रॉब्लम। जिसका एग्जांपल है थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, बस इसको एक दो बार देखना है और आपको ये याद हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द मोनिरा, दैट इज अब बारी है मोनिरा में यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया का क्या कंडीशन है, ओमनी प्रेजेंट, ये सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र प्रेजेंट, हर जगह उपस्थित है, मतलब एक तरह से कहें भगवान के जैसा, जैसे ओमनी प्रेजेंट है ना, भगवान हर जगह प्रेजेंट होता है, गॉड हर जगह प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया भी वैसे ही हर जगह प्रेजेंट है। हाँ, ओमनी प्रेजेंट नंबर वन, यूनिसेलुलर विथ वेरिएबल शेप्स मोस्टली पैथोजेनिक, ये इसका जो शेप होता है वेरिएबल होता है, और ज्यादातर यू बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है, नॉट ज्यादातर, ऐसे हम बोल रहे हैं ज्यादातर बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है, इसका मतलब सभी बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया फायदामंद भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि कर्ड बनाने वाला, बटर मेकिंग, ये सारा चीज में जो यूज होता है वो सब तो फायदेमंद है ना, या जो मान लीजिए रूमिनेंट्स के अंदर में जो है, कॉर्न बुफेलोज के स्टोमक में जो है मिथानोजेंस, वो हानिकारक है क्या? So, now, based on their shape, they are of the following types. अगर हम लोग बैक्टीरिया का शेप के आधार पर बात करते हैं, शेप, अगर हम लोग शेप को बेसिस बनाते हैं तो बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से है। नंबर वन कोकस, कोकस जो स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब जो राउंडेड है, स्फेरिकल है, उसे हम लोग कोकस कहेंगे। ये बीच वाला एग्जाम्पल, ये कोकस का एग्जाम्पल है। अगर इसका एक रहता है तो सिंपली कोकस या मोनोकोकस होगा, अगर दो साथ में रहता है, दो के ग्रुप में रहता है, इसको डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइनिंग चेन के फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे या स्ट्रेप्टोकोकाय। अगर ये इस तरीके से रहेगा, इसको सार्सिना कहेंगे। अगर ये इस तरीके से इस बना हुआ रहेगा स्ट्रक्चर, इसे स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। एंड अगर चार के फॉर्म में रहेगा, फोर के फॉर्म में, इसे क्वाड्रेट कहेंगे, ठीक है, टेट्राड। सो सेल्स आर स्फेरिकल, फॉर एग्जांपल्स डिप्लोकोकस निमोनी, इसका बेस्ट एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया फैलाता है, और निमोनिया फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है ये कोकस का पार्ट है, डिप्लोकोकस निमोनी। अगला टाइप है शेप के आधार पे बैसिलस, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड रॉड लाइक, जो बैसिलस होता है रॉड लाइक होता है, इस तरीके से जो देख रहे हैं ये बैसिलस रॉड लाइक का एग्जांपल्स है, बैसिलस का एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जो दही बनाने में, दूध में लैक्टोबैसिलस को डाल दो, दूध को दही बना देगा ये, मतलब इतना भयानक होता है। और हम लोग क्या करते हैं, दूध को दही बना दिया बैक्टीरिया, तो दही को भी खाते हैं साथ में बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं, हम लोग तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है ना, बैक्टीरिया भी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद है विब्रियो, सेल्स आर कोमा लाइक, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, ये कोमा लाइक ऐसे बना हुआ है, कोमा जैसे हम लोग लिखने के दौरान में बीच में कोमा लगाते हैं, वैसे ही ये कोमा लाइक बैक्टीरिया है,
और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलरी जो कि कोलरा फैलाता है। नाम तो कोलरा का बहुत सुने होंगे, तो ये वही कोलरा फैलाने वाला है विब्रियो कोलरी। मूव बेस्ट ऑन देयर शेप दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, बेस्ट ऑन द शेप, शेप के आधार पे देख रहे हैं ना, और अभी भी शेप के आधार पे ही चल रहा है क्योंकि अभी शेप के आधार पे चलना खत्म नहीं हुआ है। तो क्या है, अभी हम लोग क्या देखे, कोकस, उसके बाद क्या देखे, बेसिलस, कोकस बेसिलस, और आगे है विब्रियो, ठीक है, विब्रियो देखे, उसके बाद आगे है हम लोग का स्पाइरलम। स्पाइरलम क्या होता है, सेल्स आर कोइल्ड एंड स्पाइरल शेप्ड, ये देख रहे हो यहाँ पे स्पाइरल है ना, ये भी देख रहे हो स्पाइरल शेप्ड है, तो यहाँ पर सेल्स स्पाइरल शेप्ड होता है इसीलिए इसको स्पाइरलम, इसका एग्जाम्पल स्पाइरलम, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम। उसके बाद है स्टॉक्ड, द सेल्स है जो स्टॉक, यहाँ पर सेल में स्टॉक लगा हुआ रहता है, यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके का सेल है और सेल में स्टॉक लगा हुआ है, डंटल लगा हुआ है, इसीलिए इसको स्टॉक कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोलोबैक्टर, कोलोबैक्टर इसका एग्जाम्पल है जिसमें स्टॉक लगा हुआ है। और अगला है बडिंग, दे हैव स्वेलिंग लाइक बर्ड्स, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसमें बर्ड्स लगा हुआ है, ये है बडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है, ये है बडिंग का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बर्ड्स लगा हुआ है, इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम, तो रोडोमाइक्रोबियम बडिंग का एग्जाम्पल है, अपने को याद रखना। नाउ कमिंग टू द बेस्ड ऑन द परसेंस और अब्जेंस अब्सेंस ऑफ फ्लेजला दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अगर हम लोग बेस बनाते हैं फ्लेजला को, तो फ्लेजला के आधार पे अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से, ए ट्राइकस, ए ट्राइकस हम लोग उसे कहेंगे जिसमें कि कोई भी फ्लेजला नहीं होगा, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस हम लोग उसे कहेंगे जिसमें कि एक फ्लेजला होगा, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में क्या होगा, वन एट ईच साइड टोटल टू फ्लेजला। एम्फी मतलब अगर कहीं पर यह बात लिखा हुआ है एम्फी, इसका मतलब समझ जाओ बोथ, जैसे एम्फीबिया, एम्फीबिया ग्राउंड पे भी रहता है पानी में भी रहता है, एम्फीबिया वाटर में भी रहता है ग्राउंड पे भी रहता है, एम्फीबिया जैसे फ्रॉग टर्टल्स है ना, तो ये सब दोनों जगह पे रहता है, एम्फीबिया हो गया, एम्फी मतलब बोथ, तो वैसे ही यहाँ पर एम्फीट्राइकस है, एम्फीट्राइकस मतलब इसके जैसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है दोनों तरफ इसमें लगा हुआ रहेगा फ्लेजला, ओके। अब बेस्ड ऑन द परसेंस ऑफ फ्लेजला अब है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस में क्या होगा, वन टप्ट और ग्रुप ऑफ फ्लेजला एट वन एंड, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है एक ही साइड में बहुत सारा ग्रुप ऑफ फ्लेजला रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लोफोट्राइकस, क्लियर है। अगर हम लोग सिफेलोट्राइकस की बात करते हैं, टू टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लेजला एट एच इच एंड, जैसे मान लो ये है तो इधर भी है ग्रुप ऑफ फ्लेजला, ये हमारा हो गया सिफेलोट्राइकस का एग्जांपल। और पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस में क्या होगा, फ्लेजला डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पेरीमीटर ऑफ द सेल, मतलब पेरिट्राइकस में हर जगह फ्लेजला लगा हुआ रहेगा, चारों बगल लगा रहेगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पेरिट्राइकस। डन, मूव। अब हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, अभी तक चल रहा था आर्किबैक्टीरिया, अब यू बैक्टीरिया का टाइप की बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया में हम लोग का बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज, ये चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरिया, दैट इज यू बैक्टीरिया। तो यहाँ जो डायग्राम देख रहे हो ये इस तरीके से, एक्चुअली में इसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल फिगर एंड डिटेल इन डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, साइटोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो अभी बस जितना हमें ज़्यादा जरूरी है, जितना जरूरी है बस हम लोग उतना ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पर देख लो, एक यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का जो सेल है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, फॉर एग्जांपल इस डिजाइन के माइक्रोस्कोप में सिंपली नजर आएगा कि इस डिजाइन के माइक्रोस्कोप में तुम्हें नजर आएगा कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन कंप्लीट डिटेल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इसमें नजर नहीं आएगा, इस माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा, दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तुम लोग को पता होगा, तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में इसे यूज भी किए होंगे, और जो यूज नहीं किए हो और अगर डिगबॉय के बासी हो तो तुम लोगों को यहां पर दिखलाएंगे कि कैसे इसको सेट किया जाता है जब लॉकडाउन का सिचुएशन खत्म होगा, तो कुछ तुम लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस भी होगा। अभी तत्काल में इसको यहां से हटा के रख देते हैं, दिस इज द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
यहाँ पर हमारे इस जगह पे दिस स्मार्ट क्लासरूम में बहुत सारे प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डिगबॉय के नहीं हो, डिगबॉय से बाहर के हो, उसके लिए ये सारा डिटेल तुम लोगों को लाइव करके दिखलाएंगे, ताकि किसी भी, और 3D मॉडल का यूज करेंगे हर चीज में, हम लोग 3D मॉडल का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल्स, ताकि अपना जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। पहला नंबर फिगर जो यूज करेंगे वो भी 3D फिगर्स होगा, 2D भी होगा, ऐसा नहीं कि 2D नहीं होगा, 2D भी होगा, 3D भी होगा, 3D मॉडल्स का यूज करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, इसका करना क्या है, इसमें बहुत सारा ऑर्गन्स तुम्हें नजर आ रहा है, तो इसको अपने कॉपी में 2 से 3 बार ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ करना है और साथ ही साथ सभी ऑर्गन्स को लेबल करना है एक एक करके। जब तुम इसको लेबल करोगे एक एक करके, तो तुम्हें लेबलिंग के टाइम में सारा चीज पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गन क्या है, राइट। फॉर एग्जाम्पल्स अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेल वॉल से सटा हुआ है रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, जहां पर की रिस्पायरेशन होता है, जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहां पर की रिस्पायरेशन होता है। ये है पाइलस, ये है फिलामेंट, जिसको कि फिलामेंट है। अब ये जो देख रहे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर, मैं पेन का कलर बदल रहा हूँ ताकि सारा चीज अच्छे से दिखे। ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, ये लिपिड ग्लोब्यूल्स है, ये है मिसोसोम, और ये न्यूक्लियोइड है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस बोलेंगे तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का मतलब ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना पड़ेगा, न्यूक्लियर सैप होना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ होना पड़ेगा। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है, मतलब जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है इसका, ये जो देख रहे हो इसके अंदर में साइटोप्लाज्म, ये है फ्लेजलम, ये है बेसल बॉडी, जिससे कि फ्लेजलम अटैच्ड है। आगे चल के इसी क्लास में हम लोग फ्लेजला का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, और अगर आज नहीं हो पाया तो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें कि फ्लेजला, फिम्ब्री, रिप्रोडक्शन, पता है तुम्हें कि पिलर पाइलस जो होता है पिलिस के हेल्प से ये रिप्रोडक्शन भी करता है बैक्टीरिया, तो वो किस प्रकार से करता है हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल तो क्या क्या होगा, नंबर 1 सेल एनवेलप, पेन का कलर बदलना होगा, नंबर 1 सेल एनवेलप होगा, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिन, फ्लेजला, पिली और फिम्ब्री। तो ये सभी चीज को हम लोग डिटेल में एक एक करके अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग सेल एनवेलप की बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, तो सबसे बाहर में जो होगा वो आउटर कवरिंग होगा, और जो कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, जो इसका आउटर कवरिंग या सेल एनवेलप होगा बैक्टीरिया का, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। क्या क्या होगा वो 3 कंपोनेंट, नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि म्यूसिलेज कवरिंग होता है, नंबर 2 सेल वॉल होगा इसके कवरिंग में, और नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये हो गया सेल एनवेलप। इसे हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। बच्चों यहां पर जो देख रहे हो, यहां पर जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिकली है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अल्ट्रा इमेज लिया हुआ नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। हम लोग इसका डिटेल जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे, साइटोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे, तो वहां पर भी हम लोग इसका ज्यादा डिटेल में देखेंगे इन डिटेल। अभी हमें जितना जरूरत है, अभी हम लोग को सिर्फ बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन देखना है, सेल एनवेलप देखना है। तो यहाँ पर सबसे बाहर का लेयर जो देखे हम लोग, वो है म्यूसिलेज कवरिंग। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड विथ और विदाउट प्रोटीन्स। तो जो बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड विथ और विदाउट प्रोटीन्स होता है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन हो भी सकता है और प्रोटीन नहीं भी हो सकता है, राइट। इफ इट इज अ लूज कवरिंग इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर यहाँ जो बाहर का लेयर है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन या प्रोटीन लेयर है, अगर ये लूज कवरिंग रहता है तो इसे हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसे हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे। इफ थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। अगर ये प्रोटीनस लेयर, अगर ये प्रोटीन का जो कवरिंग है बाहर वाला, अगर ये थिक लेयर है, काफी थिक है और टफ भी है, तो इसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे, रिपीटिंग। अगर ये लूज कवरिंग है तो इसे हम लोग स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर ये थिक है तो इसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। जिसका फंक्शन ओवरऑल क्या है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है,
राइट। नाउ कमिंग टू द सेल वॉल, अभी हम लोग देखे ऊपर का लेयर, ऊपर का जिसको कि हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स और म्यूसिलेज कवरिंग बोले। अब हम लोग सेल वॉल देख रहे हैं, तो सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, सॉलिड कवरिंग प्रोटेक्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वहां पर ये बस्ट होने से ये सेल वॉल इसको रोकता है। कैसे, जैसे तुम लोग कभी अंगूर खाए हो, डेफिनेटली सभी कोई खाए हो, और किशमिश भी खाए हो, तुम लोग क्या करो किशमिश को पानी में डाल दो, सिंपल पानी में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है किशमिश के लिए, क्योंकि उसमें चीनी भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन है। अब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, देखो कुछ ही देर होते होते किशमिश जो अंगूर बन जाएगा, तो ये ग्रेप्स में कन्वर्ट हो गया हुआ है, एंडोसोमाइसिस, पानी अंदर गया लेकिन वो फटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सेल वॉल, टफ सेल वॉल लगा हुआ है अंगूर के ऊपर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एंडोसोमाइसिस। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने लग जाएंगे इन डिटेल, जब हम लोग का चैप्टर चलेगा प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसमें ये सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे तुम लोग पढ़े भी हो क्लास 10 में भी ये सारा चीज है, तो अगर क्लास 10 में तुम लोग सही से पढ़े होगे तो डेफिनेटली ये पढ़े होगे, और अगर नहीं भी पढ़े होगे तो कोई टेंशन नहीं है। जब हम लोग का प्लांट फिजियोलॉजी चलेगा ये सभी चीज हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखोगे तो फिर एक ये फटेगा नहीं, उसको रोक के रखेगा, क्योंकि टफ कवरिंग है, सॉलिड रिजिड कवरिंग है जो कि उसको फटने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बैलून फुलाए होगे, अगर बैलून में ज्यादा हवा डाल देते हो फट जाता है ना, वैसे ही सेल भी है, अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया फट जाएगा, लेकिन इसके सेल वॉल लगा हुआ है जो उसको रोक देता है। ये क्या होता है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना रहता है। ये क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन नाग एंड एन एसिटाइल मुरामिक एसिड नाम। इसमें क्या होता है, नाग नाम, नाग नाम, नाग नाम का रिपीटेशन रहता है, एनएसिटाइल ग्लूटामिक ग्लूकोजामिन एंड एनएसिटाइल मुरामिक एसिड, इसका बार बार रिपीटेशन होता है और इसी से इसका सेल वॉल बना हुआ रहता है। क्लियर है माय फ्यूचर डॉक्टर्स, क्लियर है, ओके आर्यन रॉय, क्लियर है ये आर्यन रॉय, तुम बता दो आर्यन रॉय, आर यू देयर, अगर क्लियर है तो हाथ उठा दो, आगे बढ़ते हैं, और भी जो भी है सभी को हाथ उठा दो जल्दी से। ओके लेट अस मूव। अब है हम लोग का बारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि थर्ड लेयर है। ये थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल बोले तो कुछ चीज को जाने देता है और कुछ चीज को नहीं जाने देता, मतलब ये काफी सेलेक्टिव होता है। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन बैक्टीरिया, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब ये डेड लेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर का जो सेल वॉल था, सेल वॉल का लेयर वो डेड होता है, बट ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड नहीं होता, लाइव होता है। इट टेक्स पार्ट इन रिस्पायरेशन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स। ये जो है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता जहां पर कि रिस्पायरेशन होगा, तो वो कहां पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। साथ ही साथ ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, और सेल वॉल का कॉम्पोनेंट भी सिंथेसिस यही करता है। जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, ये वाला स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, इसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता। इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड सेब वेक्यूल्स अब्सेंट, मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता, साइटोप्लाज्म यहाँ पर मूव नहीं करता, स्ट्रीमिंग मोशन नहीं करता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में स्ट्रीमिंग होते रहता है। एंड सेब वेक्यूल्स अब्सेंट, जबकि ह्यूमन बींग्स या मतलब यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट वगैरह में सेब वेक्यूल प्रेजेंट होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें गैस वेक्यूल्स प्रेजेंट, इसमें गैस वेक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, और इसके अलावा कुछ और भी अलग से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहता है इसमें। फॉर एग्जांपल्स मीजोजोम्स प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहता है।
रिपीटिंग मीजोसोम्स, राइबोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहता है जो कि अपना रिस्पेक्टिव फंक्शंस करता है। मीजोसोम्स रिस्पायरेशन, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमेटोफोर्स आगे का काम। नाउ कमिंग टू द साइटोप्लाज्म फॉर्म ड्यू टू द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम्स यहां जो देख रहे हो, मीसोसोम जो अभी बोले यहाँ पर तीन चीज देखे हैं, मीसोसोम्स, राइबोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स, ये तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अभी तत्काल में पेन का कलर हमें बदलना पड़ेगा। तो मीसोसोम्स क्या करता है, फॉर्म ड्यू टू द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कहीं कहीं पर देख रहे हो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से मूव किया हुआ है, ये है ना, ये देख रहे हो। तो मीसोसोम्स यहाँ पर ये आठवां नंबर है, मीसोसोम इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेला। तो जो प्लाज्मा मीसोसोम्स है ये ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड लेमेला का बना हुआ रहता है। अब अगला बारी है राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है जो बताए थे 16S। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन लेस राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन डेट इज 70S। यहाँ पर जो राइबोसोम्स होता है मेम्ब्रेन लेस होता है। ऐसे यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो भी मेम्ब्रेन लेस ही होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फ्री राइबोसोम जो कि मतलब इसमें जो रहता है राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्री राइबोसोम, जो फ्री राइबोसोम होता है वो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म में होता है, वो इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। और जो दूसरा टाइप होता है वो फिक्स्ड राइबोसोम होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। राइबोसोम्स जनरली अकर इन ग्रुप्स कॉल्ड पोली राइबोसोम्स और पोलीसोम्स। तो इसमें जो होता है बैक्टीरिया में जो राइबोसोम नॉर्मली ग्रुप में रहता है जिसे कि हम लोग पोली राइबोसोम या पोलीसोम्स कहते हैं, जिसमें कि नॉर्मली 4 से 8 के ग्रुप में रहता है। एंड आर अटैच टू ए सिंगल स्टैंड ऑफ mRNA जो कि mRNA के सिंगल स्टैंड से अटैच रहता है, वो फिगर तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर है। नाउ लास्टली क्रोमेटोफोर्स। अब ये क्रोमेटोफोर्स क्या होता है, क्रोमेटोफोर्स फाउंड इन फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर्स वैसे बैक्टीरिया में होता है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिसे कि हम लोग कहेंगे। जो कि यूकैरियोटिक सेल जिस प्रकार का फोटोसिंथेसिस करता है, बैक्टीरिया उस प्रकार का फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। इसमें जो होता है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे। इन ग्रीन बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड क्लोरोसोम्स। जो ग्रीन बैक्टीरिया होता है उसमें ये कहलाता है क्लोरोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स ही इसमें क्लोरोसोम्स कहलाएगा ग्रीन बैक्टीरिया में। क्लोरोसोम्स कंटेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियो क्लोरोफोल, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन एंड कैरोटिनोइड्स। क्योंकि ये बैक्टीरिया में इसीलिए इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन और कैरोटिनोइड्स इसमें रहता है। तो ये हमारे से कई बार नीट के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरिया में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, या बैक्टीरियो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है। तो नंबर 1 बैक्टीरियो क्लोरोफिल, नंबर 2 बैक्टीरियो फियोफाइटिन और नंबर 3 कैरोटिनोइड्स प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। डन। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहां पर जो देख रहे हो न्यूक्लियोइड, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन से इसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्यों, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सुपर कॉइल डीएनए। ये सिंगल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, प्लस सुपर कॉइल आपस में बहुत सारा उलझा हुआ रहता है, इसलिए इसको सुपर कॉइल कहते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को, यहां पर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल में जो कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। नाउ कमिंग टू द प्लाज्मिड्स। ये क्या होता है प्लाज्मिड, सेल्फ रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसमें जो प्लाज्मिड्स होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स होता है। इफ दे आर टेम्पोररली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड दे आर नोन एज एपिसोम्स। अगर ये न्यूक्लियोइड से जुड़ा हुआ रहता है टेम्पोररी रूप से, इसे हम लोग एपिसोम्स कहते हैं। इन ओरिजिनल जो प्लाज्मिड्स होता है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में काम नहीं करता, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहते हैं।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट, और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। इसका बहुत यूज है। अभी के टाइम में जो वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है या बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप्स वगैरह जो बनाया जाता है, उसमें प्लाज्मिड का ही यूज होता है, बैक्टीरिया प्लाज्मिड का ही यूज होता है। बोले तो ये काफी फायदेमंद है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग का भी जब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग डिटेल में पढ़ने लग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या योगदान है, किस तरीके से एक तरह से वेक्टर है, डीएनए वेक्टर के रूप में काम करते हैं हम लोग इससे। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फ्लेजला के बारे में। तो फ्लेजला इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, तीन पार्ट से बना हुआ रहता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी रहता है जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है, उसके बाद हुक होता है, और जो सबसे ऊपर का पोर्शन जो रोटेट कर रहा है ऊपर से देख रहे हो, ये हो गया इसका फिलामेंट, जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है। ये इधर उधर ऐसे जैसे तैसे नहीं कर सकता जो कि यूकेरियोटिक में होता है, ये जस्ट सर्कुलर मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए बैक्टीरिया का जो मूवमेंट होता है वो बैक्टीरिया के कंट्रोल में नहीं होता, वो किसी तरीके से मोशन करते रहता है, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो। ऐसे बच्चों इसका ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पीली एंड फिमरी होता है जो कि ट्यूबुलर आउटग्रोथ होता है, जो जिसमें होता है वो फर्टिलिटी फैक्टर्स होता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद फिर स्पोरुलेशन अलग अलग प्रकार का होता है, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, पैरासिटाम फार्मास्यूटिकल यूजेज होता है बैक्टीरियाज का तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा इन डिटेल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो तुम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा इसको एक बार स्टडी कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस क्लास को शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो माई फ्यूचर डॉक्टर्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब कल सेम टाइम 9 बजे से। तो पता है टाइम टेबल तुम लोगों को, 7 बजे से सेकेंड ईयर का क्लास होता है, 12th का क्लास होता है, और 9 बजे से 11 का क्लास होता है। ओके, बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट स्टूडेंट्स।